किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों घर पे कुपोटा फोर है, फोर ठाली खड़ा है क्योंकि फिलहाल काम नहीं है। इसका रोटावेटर को कोई दिन जा रहा, गाड़ी नहीं आई भी पंजाब से आने वाला है। भाइयों हमें ढाल ढाल इसके यंत्र खरीदने हैं पूरे। आज गाड़ी भी कहीं नहीं जा रही। आज बबलू जाएगा अपने ससुराल की तरफ से, कहीं भातन जा रही है, भातन उतने बड़ोतरी शामली की तरफ, वहाँ से पहुँच जाएगा आज बच्चों को लेकर। भाइयों फोर्ड आ गया, तैयार हो गए, मॉडिफाई हो गए, थोड़ी धूल जम गई इस पर क्योंकि पेंटर मंडरा पीछे दीवार कल घसी ना उसने, तो वो धूल उड़ी इसकी बहुत, ट्रैक्टर पर धूल जम गई। कल वो लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर से हम खेत में ले जाएंगे, रूटा बीटर चलाएंगे इसमें। भैया देखो कितना अच्छा फिटिंग किया है छतरी का, नीचे सलाई जोड़ कर, कभी मरघाट में कोई जोड़ नहीं रखा बिल्कुल भी, ऊपर ये दो बोल्ट खींचे बस। पंखा भी लगवा दिया, फाइबर की छतरी है, छत से तो कम से कम 6-7 फुट नीचे रह जाता है, कोई खतरा नहीं हटने का। बैग बत्ती भी लग गई, ये भी हैं हाथ से पकड़ने के बैठने के बाद में, नवे टायर पड़ गए ट्रैक्टर में, बैटरी बॉक्स नया हो गया। भाई बम्पर भी नया लग गया, पहले तो वो सफ़ेद सा था, अच्छा नहीं लगा, तिरछा सा था, नया बम्पर लग गया। नीचे टू चैनल करने का भी जुगाड़ है, वो लगेगा हुक से। थोड़ा मैं दूर से दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है। भाई देखो मकान पर खड़ा भी ट्रैक्टर अच्छा लगता है। इधर छोटा को बोटा हो गया भाइयों, मकान भरा भरा सा लगता है। इधर भाइयों रिश्तेदार आए हैं, गाड़ी खड़ी उनकी, कौन सी है, डिजायर मैसी, वो खड़ा अंदर जुड़ा हुआ बुग्गी में, गोबर की बुग्गी में है, गन्ने डालने का काम वो सब उसका है जा मैसी का। भाइयों किसान का जब मन नहीं तो लगता है अपना खेती में हिला कर लो, अपने यंत्र ना घर पे सोझ होने बहुत ज़रूरी हैं। अब हमें छोटे बड़े के तो सोझ हमारे सारे, रूटर वेटर सारा काम कर लेता है, लेजर हो गया, टीलर हो गया, टीलर का टीलर के खुरपे देखो, दिखाता हूँ मैं आपको कितनी तकड़ी है। ये भाइयों हरियाणा से आए थे खुरपे, कितने जबरदस्त खुरपे हैं इसके। भैया फोर्ट 4-5 दिन नहीं रहा तो घेर खोला, खाली खाली सा लगा मकान। इधर पेंटर मंडरा है, सीढ़ी लगा रखी इसने, वो मिल गया दूसरा लिया हमने पेंटर। भैया अब ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है। ये बम्पर अच्छा है जबरदस्त, इसमें झंडा टांगने का भी छित सा लगवाया, अंतनाते झंडा लगा दिया अपना। भाइयों इसे कुपोटा को भी हम मॉडिफाई करवाओगे इसी तरह का ही, फरवरी मार्च में पहुँचाएंगे, मार्च में इस तरह की मॉडिफाई छतरी होगी इसकी अपनी, अलग अलग पंखा होगा, आग जाली लगवाओगे यहाँ क्योंकि गन्ने के पत्ते नुकसान ना दे इस पर, घसा ना लगाए। दोनों तरफ खिड़की लगेगी, एसी केबिन की जरूरत नहीं है। भाइयों मैसी का मूड था हमारा मॉडिफाई छतरी कराने का, लेकिन दिक्कत एक है, फिर गन्ने डालने में दिक्कत आओगी, वजन ज़्यादा हो जाएगा ट्रैक्टर में, इसलिए उस पर नहीं लगवा पा रहे हम फिलहाल, फोड़ हो गया और इस पर लगवाएंगे। भाइयों कुछ भाई सोचते हैं कि ताऊ जी 30 बीघे किसान हैं, इतने यंत्र कैसे कर लिए। भाइयों हमने मेहनत बहुत करी, कभी शराब नहीं पी, कभी ताश नहीं खेले, कभी इधर उधर चौकड़ी में नहीं बैठे। हाँ मेरा काम था कुछ करने का जीवन में, मैं बॉम्बे भी गया, बॉम्बे बहुत मेहनत करी, संघर्ष किया, यार दोस्त बनाए, लगा रहा
लेकिन मिलते 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 मुझे यूट्यूब मिल गया। यूट्यूब ने ज़िंदगी में बाहर ला दी, हमारे खेती से बाहर नहीं आती। खेती का तो यह है, कल हमारी यहाँ 3,000 रुपये बीघा ज़मीन थी सन 70-75 में, आज 50 लाख रुपये बीघा पहुँच की ज़मीन हुई। तो यही खेती में इनकम है, खेती की में फसल का रेट तो कुछ मिलता ही नहीं, ज़मीन के भाव बढ़ते हैं, पर यही हमारी इनकम है भाइयों, कमाई है जीवन की। बाकी भाइयों हमने यूट्यूब से जुड़ के ही मैसी फाइनल किया, 4 ट्रैक्टर बनाया, खेती का पैसा रखा, लेकिन सब लौट पलट रहा, मतलब रोजी रोटी तो पहले चली घर की, चाहे यूट्यूब रहा चाहे घर का रहा गन्ना का पैसा रहा, लेकिन बाद में जो हम काम करते हैं राला मिला करते हैं, ये नहीं सोचते कि यूट्यूब अलग पैसा है उसका अलग है। भाइयों सबको आता रहे चारों तरफ से, तो भाइयों फिर हमने ये बना लिया, फोर्ड बना लिया, और भी पैसे कई लेके बेच लिए, आपको सब पता है भाइयों। लेकिन अपने लेवा बेचे का काम नहीं करने का, हमें टाइम नहीं, सिरदर्दी है, लोगों को ज्ञान नहीं है। एक ने कमेंट किया बबलू के पोस्ट पर के भाई 40,000 रुपये ले लो फोड़ के। भाइयों क्या 40,000 का फोड़ा जाएगा? तो उस भाई को तो समाज का ज्ञान नहीं है, ना वो कभी घर से बाहर निकला, उसे तो बस जुबान करने की आदत है। तो भाइयों ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए कभी भी। अभी मैंने एक फोड़ की वीडियो डाली, छात्र उन पर 130 मांग रखे उन्होंने, फार्म ट्रैक एजेंसी पर खड़ा है, उनका रेट है, लेने वाले का अपना रेट है, जो जिसका सौदा पड़ जाएगा उसी को चीज जाती है। भैया हमने ये खरीदा, खरीदने के बाद में से कई महीने घर चलाया हमने, वो फिर से मॉडिफाई करना लेके, पैसे का बजट भी देखना पड़ता है, वहाँ लाखों रुपए लगे, टायर भी नवे पड़े, बैटरी बॉक्स पेंट वायरिंग अड़गम सड़गम हिचना लिप पट्टी नवी, जो जो चीज़ बेल्ट थी वो सब नहीं डलवा दी, सलेंसर भी नवा गिरवा दिया, घर ले आए, लेकिन फिर बजट ख़राब सा हो गया, फिर पैसा आए, फिर हमने मॉडिफाई छतरी करवा दी, बम्पर बदलवा दिया। तो भाई ऐसे होता है। इसी बीच में हमें ये छोटू भी लेना पड़ा, छोटू राम कुबोटा, इस पर भी हमने कोई फाइनेंस नहीं करवाया, वैसे उलट पुलट कर कर लिया, रिश्तेदार से मांग मूंग के अपना मका, अब क्या लोन कराओगे बुढ़ापे में। तो भाइयों क्योंकि बैंक का लोन भी बड़ा महंगा पड़ता है, लोन आप ले लो, बैंक वाले पहले ही सलाह करके उसे फाँट देते हैं किस्तों में, एक के दो ले का हटते हैं बैंक वाले, ये नहीं कि वो एक का डेढ़ ले लें, एक के दो बनाने की कोशिश करते हैं, जो केस बिगड़ जाता तो और भी इनकम होती है उनकी। तो इसलिए हम नहीं चक्कर में पड़े बैंक के, हमने तो ये सब नकद ही रखा सिस्टम, ना इस पर फाइनेंस कराया, गाड़ी पे कराया था हमने, गाड़ी का जब मैं बीमार पड़ा उसके बाद ही मैंने 3 लाख रुपए रह गए थे एकदम जमा कर दिए खाते हैं पैसे थे, मैं कहा भाई इसकी राड़ कट्टो नहीं, कल को गाड़ी खींच जा क्या फ़ायदा। तो गाड़ी भी हमने फाइनल कर दी भाइयों, ये भी हमारा नकद का है, मैसी भी नकद का है। तो भैया लोन तो दिन रात बढ़ता है, लोन से बचना चाहिए आदमी को। भाइयों इस वीडियो में इतने काफ़ी है, नमस्कार।